बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी कोशिश होगी वीडियो आपसे आप तक 12 बजे से पहले पहुँचे बना, तो मैं इस वक्त 10:30 बजे के करीब रहा हूँ, लेकिन नेट स्लो होता है, अपलोडिंग थोड़ी सी मेरी स्लो हो जाती है, फिर भी मेरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह आप तक 12 बजे से पहले पहुँचे, क्योंकि 12 बजे जो है वो ब्रिटेन का इन्फ्लेशन नंबर आना है। वैसे मेरे ख्याल के मुताबिक ये मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लेकर जाना चाहिए। इसे जो आज लेवल्स हैं वो मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ। 12 बजे ये जो अहम डाटा है, इतना खैर यानी यूएसए की नस्बत तो नहीं इतना होता, लेकिन 12 ये एक अहम डाटा होता है। लेकिन अच्छा, खैर कल की वीडियो के कमेंट्स मैंने पढ़े आज। सबसे पहले तो जो लोग तारीफ करते हैं अल्लाह ताला उनको खुश रखे, दरअसल आपको नुकसान से बचाने के लिए है। आप नुकसान से बचते रहें तो फ़ायदा हो ही जाता है। देखें, ट्रेड लेना कोई कमाल नहीं है यार। देखें, यहाँ पर ये आपने टिक करना है, जस्ट आपने टिक करना है और आपकी सेलिंग या बाइंग आपने ले ली। किसी भी जगह पे गोल्ड सेलिंग की तरफ भी जा रहा होता है, बाइंग की तरफ भी जा रहा होता है, यानी थोड़ा सा नीचे होता है फिर ऊपर होता है, थोड़ा सा नीचे होता है ऊपर होता है। बात दरअसल कहाँ पे फंसती है वो ये कि आपका जो अंदाज़ा है, गैस है, वो गलत हो जाए। और अगर आप सेलिंग ले लेते हैं तो वो बाइंग पहले $1, $2, $3, जब $4-5 से ऊपर चला जाता है तो आपके अंदर हिम्मत नहीं होती लॉस लेने की, और वहाँ पर आप इसको या तो हेज करने की कोशिश करते हैं या फिर आप वेट करते हैं और फिर मजीद नुकसान की तरफ भी जाया जा सकता होता है। इसीलिए एसएल है, एसएल कोई बुरी बात नहीं है। आप देखें, मिसाल के तौर पर आप कोई भी काम करते हैं उसके अंदर एक रिस्क फैक्टर होता है, वो आप रिस्क फैक्टर को अपने हाथ से सजेस्ट कर लेते हैं कि भाई मैं इतना रिस्क ले लूँगा इस फायदे को हासिल करने के लिए जो कि आपके जहन में होता है। अच्छा, इसी तरह जो हम वेट करते रहते हैं, मैंने कई लोगों को देखा, बल्कि एक वीडियो परसों मैंने देखी मेरा ख्याल है, उसमें उस बच्चे का किसी से वो बात कर रहा था, 16,20,000 रुपए है जुआ हुआ है यार, पाकिस्तानी 16,20,000 रुपए है जुआ हुआ है। कितने अफसोस की बात है, अगर वो वही 2-4 हज़ार रुपये में निकल जाता और इस तरह, मतलब हो सकता है बहुत होता तो 1,00,000 रुपए नुकसान हो चुका होता, लेकिन उसने हर अपनी लॉट जो थी वो हेज कर दी और उसका जो है वो अब अल्लाह जाने वो क्या था, क्या झूठ था सच था मुझे नहीं पता। लेकिन ये बात मैंने जब सुनी तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि आखिर वो बच्चे को क्या हुआ था। हम जो हैं वो ट्रेडिंग की जब हम बात करते हैं तो ये चीज़ें मैं बातें आपको बता रहा होता हूँ, ये दरअसल आपके अंदर एक क्वालिटी पैदा कर रही होती हैं, ये फालतू बातें नहीं होती, ये क्वालिटी पैदा कर रही होती हैं कि आपने क्या करना है यार, आप कम नुकसान से निकल जाएं, आप नुकसान करके ट्रेडिंग ही छोड़ दें कोई बात नहीं, लेकिन इतना बड़ा नुकसान ओहो, ये चीज़ ठीक नहीं है। मैंने भी किया है, जब मैं जवान था मैंने भी किया, जवान तो खैर क्या होना, 45 की उम्र के दरमियान किया, तो मैंने भी छोड़ दिया भाई इस तरह के, अब नहीं इतना बड़ा नुकसान लेना। इंसान के अंदर एक लालच सी पैदा होती है और उस लालच में कि अपना नुकसान बचा ले या ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर ले, ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक होती हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो स्पीच है वो सॉरी बैंक ऑफ इंग्लैंड की गवर्नर की स्पीच तो शाम को है, वो बाद में बात करेंगे। फिलहाल जो इन्फ्लेशन नंबर्स है ब्रिटेन का वो डिस्कशन में आएगा, मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा मार्केट को ऊपर लेकर जाएगा। अभी जो मार्केट ने लो लगाया है वो 1988 लगाया है और हाई इसका 1993 है। कल हालांकि मैं ग्रुप में भी कहता रहा कि बाइंग में नहीं फंसता, लेकिन मेरा एक छुप लाडला है वो 2006 पर बाइंग में फंस गया, उसको मैंने फिर नीचे से मैंने कहा कि आप इसे
जो है एवरेज करने की कोशिश कर लें। 1992 हमने बोला और 1995 के दरमियान तक लोगों ने बाइंग इधर मेरे कहने पर, देखिए मैं इस बात से मुकरता नहीं हूँ कि मैंने क्या कहा, मैंने गलत कहा होता है तो ओके गलत कहा होता है, मैं उसके लिए जो है वो माजरत भी कर सकता हूँ यकीनन, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको बता दूँ कि मेरी वजह क्या थी। आज जो है वो इतना इम्पोर्टेंट डाटा नहीं है, आज रिकवरी डे है, यानी कि थोड़ा सा आपको 2000 से ऊपर तक मार्केट जाती हुई नज़र आती है, इस वजह से मैंने कहा ना कि ये ऐसी अंधों की तरह यहाँ से सेलिंग ले लें तो सेलिंग एकदम ख़त्म करके एकदम बाइंग ले लें, जैसे उस बच्चे ने 2006 पर अपनी जो लॉट्स काटी होंगी वहीं से उसने सोचा होगा ओहो बहुत नीचे आ गया अब इधर से हम बाइंग ले लेते हैं, जबकि मैंने उससे कुछ 15 मिनट पहले ये बात कही थी कि 2018 पे था तो मैंने कहा था कि किसी सूरत भी आज आपने बाइंग की तरफ नहीं देखना जब तक कि मैं नहीं आपको कहता। खैर उससे गलती हुई, अब हमने करना क्या है आज, आज देखें ज़्यादातर जो है इस डाटे के अलावा जो है साइडवेज चलेगी मार्केट, अपने सेलर्स और बायर्स के पर डिपेंड करेगी, करेक्शन पे भी डिपेंड करेगी और बहुत सारी और चीज़ें। जो नीचे का लेवल है वो 1976 और ऊपर का, जो मैं काफ़ी अरसे का आपको कह रहा था कि 1997 तक आएगा, अगर उससे भी नीचे चला गया तो फिर ये 1970s में भी आ सकता है, ये मैं आपको काफ़ी दिनों से कह रहा था। अभी जो इसका हाई आज का है वो 2012 और 14 के दरमियान, या आप ये इसके करीब करीब आप इसको हाई कर लीजिए, यानी कि इसकी रेजिस्टेंस कर लीजिए और सपोर्ट इसकी 1979 कर लें तो वो सबसे बेस्ट है। अच्छा खैर अब हमने करना क्या है, करना ये है कि यहाँ से हम इसको बाइंग की तरफ, मैंने बच्चों कुछ बच्चों ने लिया हुआ है और वो उन्होंने यकीनन होल्ड किया क्योंकि वो नीचे इतना गया ही नहीं और उनको कोई डर खौफ नहीं है, और फिर मैं भी तो उनके साथ हूँ हर लम्हा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ कि मैं उनके साथ रहूँ, ग्रुप उनके लिए मौजूद है, वो पेड ग्रुप में शामिल हुए हैं तो उन्होंने मुझ पर एतमाद किया है तो मैं उनके साथ हर वक्त रहता हूँ। अच्छा अभी जो गोल्ड का रेट चल रहा है मार्केट के अंदर वो 2,20,040 रुपये में बाइंग पीस की, 2,20,740 रुपये में सेलिंग है पीस की, इसी तरह 2,17,740 रुपये में बाइंग है रवे की और 2,18,240 रुपये में रवे की सेलिंग है। ये काफ़ी अरसे से मुझसे लोग पूछते थे तो मैं कहता था यार नीचे से लेंगे, देखें गोल्ड को एक दफ़ा लें ताकि वो आपको नुकसान तो ना दे, तो मैं कहता था नीचे से लेंगे। कई लोग तो डेली का ट्रेड करते हैं ना, वो इतने बल्क में करते हैं कि अगर 100, 50, 200 ऊपर चला जाए तो उनको फ़ायदा हो सकता होता है और वो मार्केट में बैठे होते हैं लिहाजा उनको हो जाता है। एक मेरे जैसे अपने आप जैसे लोग जो कि घर में 10 तोले, 5 तोले, 20 तोले रख के बैठ जाते हैं, वो जितनी देर में मार्केट जाते हैं उतनी देर में तो कबाड़ा भी हो चुका होता है और फिर हम 2,500 फी तोला देते हुए भी और लेते हुए भी नुकसान में होते हैं, तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा करें बच्चों। आज किसी ने मुझे कहा कि सॉरी आप मतलब ठीक थे, बात सही थी, तो वो मेरे बच्चे हो तुम सब लोग मेरे बच्चों की जगह हो, मैं तो यही चाहूँगा कि तुम लोगों को फ़ायदा हो, इसीलिए वीडियो भी बनाता हूँ और खुश रहता हूँ, आप लोगों को भी खुश देखना चाहता हूँ, नुकसान से बचाना चाहता हूँ। ऑयल पहले कर लेते हैं उसका चांदी का, तो 2480 रुपए में बाइंग और 2520 रुपए में सेलिंग, इसी तरह जो रेट चल रहा है वो 22 चल रहा है, $22, तो ये भी आपको मैंने कल भी बताया था, चांदी में बहुत कम लोग करते हैं, मैं खुद भी बड़ा डरता हूँ, लेकिन चांदी को जिन्होंने किया वो दो बच्चे थे उनको फ़ायदा ही हुआ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ऑयल मैंने कल जब
ये 78 के करीब पहुंचा, तो मैंने 78.10 तक भी गया तो मैंने रोक दिया था। मैंने कहा भाई अभी आप इसको कोई सेलिंग शेलिंग में नहीं लें, मैं सीधी बात ये है कि अगर ये से ऊपर चला जाता तो फिर ये आपका 80s में भी जा सकता था। देखें, डराना मकसूद नहीं होता, ट्रेड से रोकना मकसूद नहीं होता, नुकसान से रोकना मकसूद होता है। वो अगर नुकसान फर्ज करें बच गया तो कोई बात नहीं ना, आपके पैसे अपने पास हैं। लेकिन अगर मैं वहाँ पे ले देता सेलिंग में एक रिस्क ले देता तो फिर रिस्क होता ना वो। तो अब 77.86 है, तो हम 78.10 के और इसके 78 के दरमियान हम इसे सेलिंग में ही लेंगे। जिन्होंने ऑलरेडी सेलिंग में लिया हुआ है, क्योंकि बच्चे खुद भी बड़े समझदार होते हैं, तो वो इंतज़ार करें, इंशाल्लाह ये आपको कुछ ना कुछ पैसे दे कर जाएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।